फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो और हीरोइन की मुलाकात अचानक होती है और देखते ही देखते प्यार हो जाता है। मुलाकातें होती हैं और फिर आखिर में ड्रामे के बाद शादी होती है। ठीक ऐसी ही स्टोरी रियल लाइफ में देखने को मिली। नेहाल ठक्कर और अनूप चंद्रन की लव स्टोरी सुनकर आपको भी ये स्टोरी फिल्मी लगेगी। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने फेसबुक पर एक स्टोरी शेयर की थी जो अभी भी वायरल हो रही है। इनकी शादी दिसंबर में हुई। इस कपल ने कहानी सुनाई और बताया कि कैसे दोनों अकेले कैसे जीवन जी रहे हैं। दोनों की पहली मुलाकात 9 साल पहले मुंबई के एक कन्वेंशन में हुई। दोनों का ही नई मुंबई की एक स्ट्रीट में एक्सीडेंट हुआ था। ताज्जुब की बात तो ये है कि दोनों का एक ही जैसी कार से एक्सीडेंट हुआ। दोनों की स्पाइनल कॉर्ड में चोट आई और व्हील चेयर पर रहने की सलाह दी गई। दोनों की मुलाकात एक एनजीओ नीना फाउंडेशन में हुई। नेहाल ने कहा, हम दोनों में कई चीजें मेल खाती हैं, जिसकी वजह से हम साथ हैं। बता दें, अनूप केरल से हैं और नेहाल गुजराती हैं। वेडमगुड के मुताबिक दोनों को परिवार वालों को मनाने के लिए करीब 7 साल का समय लगा। उनके घर वाले चिंतित थे कि दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों साथ कैसे जीवन जी पाएंगे। आखिर में दोनों के परिवार वाले मान गए और दोनों की शादी पक्की हो गई। 12 दिसंबर 2017 को दोनों ने मुंबई के होटल ग्रांड हयात में शादी हुई। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें काफी वायरल हुई। दुल्हन ने सभ्यसाची का लहंगा पहना था तो वहीं दूल्हे ने शेरवानी पहनी थी। नेहाल ने बताया, हम अपने परिवार वालों से दूर रह रहे हैं और दोनों ही अच्छे से साथ रह रहे हैं।